अब वहां से चल पड़े सुल्तानपुर से चल पड़े कहाँ को चले बनारस की तरफ पहली उदासी उनकी यात्रा उदासी माने वैसे तो उदासी का अर्थ होता है कति उन्मुन होकर संसार से बन हटा के उदास हो कह और परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए चल पड़े उसको उदासी कहते हैं कहते प्रथम उदासी वाराणसी की थी अब रस्ते में वो ये पहचान करने के लिए कि हो सकता है वो कहीं और भी इस ज्ञान का कोई परिचित हो तो जहाँ पर भी रस्ते में कोई साधु संत का कोई डेरा देखा वहाँ पहुँच गए नानक साहब जी प्रसन्न तो कर ही रहे थे बनारस की तरफ वहाँ प्रसन्न करते उन्होंने फिर क्या किया सात श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता जी के वो शपथ श्लोक की गीता कहने लगे कि इनका उत्तर दे दो इसमें सारी गीता का निष्कर्ष है जैसे उर्द मूलम अधाखम ये मूल परमात्मा कौन है अठारहवें जाए के बैसठवें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ वो परमेश्वर कौन है तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है इस तरह के उस परमात्मा ओम तत्सत का भेद बताओ इस तरह के प्रश्न उन्होंने सात श्लोक सेलेक्ट कर लिए गी, गीता के वो शपथ श्लोक की गीता कहने लायक गई कि इसमें सब निष्कर्ष आ जाता है गीता जी का अठारहवें जाए कि में श्लोक में वर्जमा माने जाना होता है तुम आना बताते हो वो किस कि क्षण में जाने को कहा है इस तरह के वो प्रश्न उन्होंने किए कहीं उत्तर नहीं मिला फिर उनने देखा उनको विश्वास नहीं था कि भगवान रिग्जुलाहा धारक के रूप में भी काम करता होगा लेकिन चल पड़े थे कि देख तो लेता हूँ और वो बता रहे थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है कबीर साहब ने कहा था चर्चा के दौरान तो उन्होंने जाकर के पूछा कि यहाँ कोई स्वामी पंडित रामानंद जी नाम के महर्षि हैं उन उनका बहुत बोलबाला था चौदह सौ ऋषि बना रखे थे प्रचारक पूरी काशी बच्चा बच्चा उनको जानता था सभी ने कहा कि वो ऐसे उस आश्रम में रहते हैं गंगा के किनारे तो वहां पहुंच गए आदरणीय नानक साहेब जी और वहाँ जाकर के रामानंद जी से प्रसन्न की के स्वामी जी मैं गीता जी के कुछ प्रसन्न करना चाहता हूँ जब वो प्रश्न उन्होंने किए अब रामानंद जी ने कहा कि देखो ये प्रश्न मुझे पहले नहीं आते थे अब मुझे इनका ज्ञान हो गया कैसे हो गया कि मुझे परमात्मा मिले हुए मिले यहाँ आए हुए हैं वो भगवान और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन में बांध दिया वो कहते हैं मुझे गुरु लेकिन है वो जगत गुरु मैं उनको शिष्य कहूँ तो मुझे लज्जा आती है लेकिन वो जगत गुरु हैं परमेश्वर आए हुए हैं उनका कवि कभी, कबीर नाम है और वो बता सकते हैं आपको सारा भेद उत्तर तो मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता उन्हीं का सुना हुआ मैं आपको बता सकता हूँ आप उनसे पूछो तो और अच्छा रहे अब नानक साहेब जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सचमुच इस ज्ञान के देने वाला यहाँ है हाँ जी है तो मुझे उनसे मिला दो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा दो पंजाब से आए हैं पंजाबी अब कबीर साहब को तो तो अनजानी जान थे बैठ गए खड्डी में कान लग रही है प्यारी आत्मा घायल हो चुकी है वो अब वहां बैठे बैठे कपड़ा बुन रहे हैं और जिस रूप में वहां मिले थे वही रूप सतलोक में मिले थे वही रूप में बैठे और कपड़ा बुन रहे हैं धानक का काम कर रहे हैं जुलाहे का तब नानक साहब ने कहा था ओ हो, हो फाई सूरत मलुक्की वेशगवाडा ठगी देश खरा सियाणा बहुता ये धानक रूप रहा करतार ओह अब उनकी उस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी लिखी हुई है आपको सुनाते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर अंकित है और शब्द नंबर 29 है उनतीस एक सुवान दुई सुवानी नाल बल्कि भौकाई सदाबियाल कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार फिर क्या कहा है मैं पथ की पेंदन करने की कार ओ बिगड़ रूप रहा विकराल तेरा एक नाम तारे संसार अह तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार मुख निंदा आख्या रात और परगर जो ही नीच मनात काम करोद तन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करतार ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार्य धारण रूप रहा करता अपनात्मो फिर 721 सौ इक्कीस पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार परमात्मा से परिचित होने के बाद नानक साहब ने फिर उनकी महिमा गाई है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर दर कून करतार कून करतार माने है शब्द स्वरूपी राम अविनाशी परमात्मा करतार माने सारी सृष्टि के रचन हार हक्का कबीर हक्का कबीर माने सत कबीर करीम तू करीम माने दयालु और बेअप्रवर्दिगार ये पूरा बड़ा शब्द है इसको आप पढ़ सकते हो और ये हमने अध्यात्मी ज्ञान गंगा में भी लिखा हुआ है अपना आत्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी मह कबीर हुआ जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा वाह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावे था अपना आत्माओं क्या होता है कि परमात्मा ने इस प्यारी आत्मा से कहा जब वो कहने लगे कि ये लोगो वहाँ आसपास पास जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति इकट्ठे हो गए स्त्री पुरुष बच्चे बालक वृद्ध और नानक साहब कहने लगे ये भगवान बैठे ए रब बैठा ये सारी सृष्टि का रचनार बैठा देख लो ये भगवान है अब वो कलोनी वाले आसें कि ये पंजाबी कहाँ से आके पागल हो गया नीरू के पुत्र को भगवान बताता है सब हंसकर चले गए किसके पास जो आता है ऐसा ही बोलता है पता नहीं क्या पिला देता है अब वो सब चले गए जब रह गए दोनों तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए भटक रहा हूं मैं नानक साहब ने कहा जी अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं अगर मगर की मैं देख चुका हूं आपको असंग ब्रह्मांड का स्वामी कहाँ बैठा है परमात्मा ने कहा बच्चों मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ नानक साहब की आंखों में आंसू आगे कि सचमुच आप जो करे सारी सत्य है और नानक साहब जी ने कहा मुझे वो सतनाम नाम दे दो दया कर दो मुझ पर वो तो अंतर्यामी थे जानते थे कि अब इसको पूरी कसक हो चुकी है तो मालिक ने कहा कि एक प्रतिज्ञा कर ले ये किसी को बताएगा नहीं तुझे नाम दे दूंगा नानक साहब ने कहा कि तोबा मेरी जिक्र भी नहीं करूंगा आगे उपदेश दूंगा नहीं किसी को तब परमात्मा ने उनको सत नाम दिया दो अक्षर का एक ओम है एक तत् धर्मदास जी को नाम दिया कभी परमेश्वर जी ने उससे भी प्रतिज्ञा दिवा ली थी धर्मदास तो मोरी लाख दुहाई ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये सारा प्रोसीजर आ जाता है ये दोनों मंत्र और सार नाम फिर स्पेसल कहा कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई यो सार नाम की तबाह ना जाए तो इन सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इसको जिक्र भी ना करना अब नानक साहब जी क्योंकि आंखों रहे इस लोक में दिल लगे नहीं ये तो इतना बेकार स्थान है उसको देखने के बाद इंसान यहाँ दो मिनट नहीं रह सकता लेकिन मजबूरी तो परमात्मा ने कहा आप भक्ति करो और सचखंड जाओगे गारंटी है मैं तुम्हारे साथ हूँ भक्ति करते रहो लेकिन मेरा अभी भेद ना खोलो तुम्हारी कोई मानेगा नहीं तो उन्होंने वहाँ से चले गए और जगह जगह प्रचार किया सतलोक का वाणी बोली लोगों को समझाया बारह वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सबको हिंदू मुसलमानों को समझाने की चेष्टा की और परमात्मा से मिलने के बाद उनमें कुछ सिद्धियां भी आ गई थी ऐसा स्वाभाविक गुण है जैसे चुंबक के साथ लोहा कुछ समय रह जाए तो वो भी असथाई चुंबक बन जाता है तो फिर क्या हुआ जब बारह वर्ष तक सब जगह घूम लिया कोई माने नहीं विरोध करें यहां तक लिखा है उनके इतिहास में गुरु नानक देव जी की जीवनी में कि उनके पूज्य पिताजी भी विरोधी हो गए थे उन पांडों के कहने से कि आपका पुत्र बिर माँ भी सुनो महेश को नासवान बताता है ये के पैदा हो गया तेरे पिता पुत्र का भी बहुत विरोध हो गया था लेकिन वो तो दृढ़ भगत थे वह किसकी माने आँखों देख रहे और कहे देखा देखी हम कहें आँखों देखी अपनात्मा बारह वर्ष तक जब वो घूमते रहे कोई सुना कुछ एक न माना कुछ एक न नहीं माना तब परमात्मा ने उसको संदेश दिया कि आप प्यारी आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो समय थोड़ा है आपका अब भक्ति करो बैठ जाओ अपने एक स्थान पर रहो अपने आराम से तो फिर 16 वर्ष तक लास्ट के अपने खेतों में रहे खेती भी करते थे और जो उनके पास आता था उनको तत्व ज्ञान भी समझाते थे बहुत से शिष्य भी बने उनके अच्छी आत्माएँ थी जो